तुम्हें वाकई लगता है उन्होंने कंपैरिजन करा किस जापानी ने तुम्हें बताया? किस जापानी ने बताया बताओ? अरे है बड़े आगे हैं, पर वो जितनी बुरी हालत में थे उन पर तो एक ही एटम बम गिरा था। तुम्हारे भारत देश को देखते तो लगता है रोज ही एटम बम गिरते हैं। कंपैरिजन से ही आदमी आगे बढ़ता होता तो जैसे जापानियों को लगा कि हम पीछे रह गए, युद्ध में भी हार गए, उनके दो शहर भी तबाह कर दिए गए, तो अगर जैसे वो तुलना कर करके आगे बढ़ रहे तो हमें तुलना कर करके और आगे बढ़ जाना चाहिए था भाई। अगर वो पीछे थे तो हम तो और पीछे थे। अगर तुलना से ही आदमी आगे बढ़ता होता तो हमें तो सबसे आगे होना चाहिए था। हम सबसे फिसड्डी हैं, जो सबसे फिसड्डी है सबका जलन होनी चाहिए, और जितनी जलन हो उतनी बड़ा रॉकेट बनेगा और भागेगा और आगे निकल जाएगा। तो क्या तर्क दे रहे हो कि जापानी तुलना कर करके निकले हैं? जापानी तुलना करके नहीं निकले हैं, बैठो, जापानी आगे निकले हैं क्योंकि उनमें कुछ है जो उनके बाहरी वातावरण में भी दिखाई देता है। जेम्स एलन की एक किताब है एज अ मैन थिंकर, उसमें उसने दोहरा दोहरा के एक ही बात कही है कि बाहर तुम कैसे हो ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कैसा है। तुम्हारा घर कैसा दिखता है उससे यही पता चलेगा कि तुम्हारा मन कैसा है। तुम किस गाड़ी में चलते हो उससे यही पता चलता है तुम्हारा मन कैसा है। तुम कपड़े कैसे पहनते हो उससे यही पता चलता है। तुम्हारा वजन ज्यादा हो रहा है या संतुलित है उससे यही पता चलता है तुम्हारा मन कैसा है। बार बार उसने यही कहा एज अ मैन थिंकर, एज अ मैन थिंकर सो डज ही बिकम इट। आज अगर जापान तुम्हें साफ दिखाई देता है, आज अगर जापान में तुम्हें बड़ी समृद्धि दिखाई देती है तो उसका कारण है जापानी मन। जापानी मन में कुछ है। आज अगर जापान में ट्रेनें लेट नहीं चलती हैं तो उसका कारण ये है कि जो जापानी मन है वो सुव्यवस्थित है। वो तुलना थोड़ी कर रहा है कि अमेरिकी ट्रेनें कितनी लेट होती हैं हमारी कम लेट होनी चाहिए। ये उसके मन में कुछ ऐसा है कि वो कहता है नहीं, समय की बड़ी कदर है, मेरी ट्रेन लेट नहीं चलेगी। और भारत की ट्रेन लेट ही लेट चलती है तो उसका कारण ये है कि हमारा मन लीचड़ है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है कहीं तुम खुद लेट पहुँचने में। जब तुम्हें दिक्कत नहीं होती कहीं लेट पहुँचने में तो तुम्हारी ट्रेनों को क्यों दिक्कत होगी? ट्रेनों को गाली देते हो 3 घंटे लेट और तुम कैसे रहते हो? आज क्लास में कितने बजे है? ये सब टाइम पे आए थे? खुद लेट घुसते हो तो ट्रेन ट्रेन खुद चलती है, उसको भी आदमी चलाता है ना, एक इंजन में बैठा हुआ है ड्राइवर और 10 लोग बैठे हैं जो उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। ट्रेन खुद तोड़ के नहीं पहुँचेगी। जो इंजन ड्राइवर है वो वही आदमी है जो पिछले दिन एक शादी की पार्टी में 2 घंटे लेट गया था, वो वही आदमी है ना, उसका मन तो वही है। जब वो वहाँ लेट जा रहा है तो ट्रेन भी लेट चल रही है, तो इसमें ताज्जुब क्या है? हमारी गलियाँ देखो गंदी, सड़कें देखो टूटी फूटी, घर साफ होता है बाहर गंदगी फैली होती, बाहर गंदगी फैली होती है मन गंदा है हमारा। सड़कें टूटी फूटी है क्योंकि बुद्धि टूटी फूटी है। जैसा इधर है वैसे ही बाहर दिखाई पड़ता है। तुलना की बात नहीं है, जो तुम हो वही अभिव्यक्त हो जाता है, जो तुम हो वही अभिव्यक्त हो जाता है। बियॉन्ड द ग्लॉस और क्या थी, यही तो थी। जो हो वो प्रकट होते रहेगा। मन ही तो है ना जिससे तुम्हारे सारे कर्म निकल रहे हैं। मन गंदा सब कुछ तुम्हारे आसपास गंदा ही गंदा होगा, पक्का होगा। मन उद्विग्न तो चेहरा भी उद्विग्न हो जाएगा। मन छटपटा रहा होता है तो शरीर भी छटपटाने लगता है, उधर छटपटा रहा है बड़ी देर से, कभी कुर्सी ठोक रही है, कभी बगल वाले को ठोक रही है, और लाचारी देखो आंखों में, यही क्यों बोलते हैं आंखों में तूफान सा क्यों? कुछ हो रहा मन चल रहा है, इधर ठीक करो बाहर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बड़ी छोटी सी बात है, चाहे डीपी तुमसे बार बार कहता है इधर ध्यान दो, वही जो वेक्टर था तुम्हारा इधर को आए वो वेक्टर बाहर की ओर न जाए, अंतर्मुखी बन, अंतर्गामी बन, उसको समझो। यहाँ ठीक कर लिया तो बाहर से अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो जाएगा, होता है।
कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए तो हमें अपनी स्थिति जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन? तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं तुम ये जानने के लिए ये तुलना करोगे कि उसको समझ में आई कि नहीं, या बस अपने आप को देखोगे? तो तुम तुलना तो नहीं है ना। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें भूख लगी है कि नहीं? तुलना करोगे? तुलना करोगे क्या? तुम्हें 104 बुखार है और सबको बुखार है 104, तो ये कहोगे कि मैं स्वस्थ हूँ? क्योंकि तुलना फिर तभी पता चल रहा है, जितना सबका उतना मेरा भी है। तुम्हें 104 बुखार है, सबको 104 बुखार है, तो क्या कहोगे कि मैं स्वस्थ हूँ? और अगर तुम्हें 98 है तापमान और सबको 104 है, तो कहोगे कि मैं अस्वस्थ हूँ? क्योंकि सबका तो 104 है, मेरा भी 104 होना चाहिए। ये बातें अपनी होती हैं, हम खुद जानते हैं, तुलना क्या करनी है? समझ अपनी होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये तुम्हारी अपनी आंतरिक घटना है भाई। तुम्हें प्रेम है कि नहीं किसी से पूछने जाओगे? तुलना करोगे? तू अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, 10 की स्केल पे बता। अच्छा 8.5, मेरा 7 है, इसका मतलब मैं प्यार नहीं करता, ये सब हरकत करोगे? प्रेम करोगे, किसी से गले मिलोगे तो ये कहोगे पड़ोसी 2.5 मिनट मिला था गले, मैं 2.75 मिनट मिलूँगा, तभी तो प्रेम है, नहीं तो कहाँ। और लोग पता नहीं क्या क्या तुलना करते हैं, कद बढ़ाएं, क्या क्या बढ़ाएं, वो तुलना ही कर रहे हैं। देखा हो ऑटो में चलता रहता, कद बढ़ाएं नहीं पैसे वापस पाए। अब कद क्यों बढ़ाना है? क्योंकि पड़ोसी का कद ज़्यादा लंबा है। ये लंबाई चौड़ाई के खेल में कब तक पड़े रहोगे? हर कोई यही कर रहा है। तुलना तुम्हारा जोकर बना देती है, जो हो नहीं बन के घूम रहे हो। देखो लड़कियों को, इसने तो नहीं पहन रखे, वो इतने ऊंचे ऊंचे, वो जैसे सर्कस में चलते हैं उस पर चलती हैं। हाँ अरे बम्बू पे नहीं चलती लड़कियाँ, वो क्या होता है वो हील्स, हील्स कौन सी हील्स बोलते हैं उनको, पेंसिल हील्स, हाई हील्स। अब कसम से मैं ज़रा सा ऐसे टेढ़ा करके पाँव अगर चल दूँ 15 मिनट तो सूज उठ जाएंगे पाँव, और वो इतना टेढ़ा करके चली जाती है। क्यों? क्योंकि 5 फुट 2 इंच की है, और तुलना करती है कि जो मिस वर्ल्ड वगैरह है कोई 5 फुट 7 इंच की है, कोई 6 फुट की ही है, तो उसको अपना कद बढ़ाना है तुलना कर करके, अपना जोकर बना रही है। वो जब गिरती है बड़ी जोर का गिरती है, चित्त बिल्कुल अब उठेगी नहीं। फ्रेशर्स दिन हुआ था, गिरी बढ़िया, सबको नंगे पहुँच चलना पड़ा, अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। अरे जितना तुम्हें मिला है कद, खुश रहो ना, क्या तुम्हें उसमें जोड़ घटान करना है, ये करना है, वो करना है। अब तो हेयर स्पेशलिस्ट आते हो, एक का लगा था पता नहीं क्या नाम, हबीब या क्या, वो बाल बढ़ाता है, उससे लगता है कि कद बढ़ गया। एक हेयर स्टाइल होती है उसमें वो बाल यूं खड़े कर देता है, तो 2-3 इंच तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी। ये सब बीमारियां चल रही हैं, हाँ नमूना बनना है तुलना कर करके। जैसे गरीबों के बारे में बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ जाना है, लेकिन सर बहुत प्रयास करने के बाद भी मतलब कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मतलब ईगो सेल्फ जनरेट हो जाता है, तो समझ में नहीं आता, जब बाद में सोचते हैं तो पता चलता है कि हाँ अभी अगर बाद में ख्याल आ रहा है तो बाद में ही आने दो, पर जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि ठीक उसी समय पकड़ में आ जाती है बात, जब अहंकार सर उठा रहा होता है तो ठीक उसी समय पकड़ में आने लगती है। अभी अगर बाद में भी आ रही है तो बात शुभ है, बाद में भी अगर पकड़ में आता है तो देखो 2 घंटे बाद ही समझ में आया कि अच्छा अहंकार हावी हो गया था, ठीक 2 घंटे बाद ही सही समझ में तो आई है। बात करते करते पता रहता है कि मैं कर रहा हूँ, और लेकिन सामने वाले के बिहेवियर से मतलब वो बढ़ते ही जाते हैं। नहीं फिर कुछ पता नहीं, ये पता होना पता नहीं, पता होना वो होता है जो तुरंत घटना में बदल जाए, एक्शन में बदल जाए। अगर बदल नहीं रहा एक्शन में तो पता नहीं, बस सोच रहे हो। जो वास्तव में रियलाइजेशन होता है वो त्वरित एक्शन बन जाता है,
वो वेट नहीं करता। ऐसी कंडीशन में भी सर मतलब क्या कर सकते हैं? कुछ मत करो, करोगे तो तब जब तुम होगे करने के लिए, उस वक्त पे तो तुम बेहोश हो, बहे जा रहे हो, तो कर क्या सकते हो। हाँ, जब बात वो बात समझ में आए, तब जो समझ में आया है वो करो। अगर लगता है गलत कर दिया था, माफ़ी मांगनी चाहिए, तो जाके मांग लो। मुश्किल तभी होगा जब अभी तक एहसास ही नहीं हुआ कि बहक गया था। जब साफ साफ जान जाओगे ना कि बहक गया था, तब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो माफ़ी मांगना कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ही होती है। माफ़ी मांगने का मतलब है बात समझ में आ गई, यही माफ़ी है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं करना होता कि जाकर के पाँव पकड़ रहे हो और फूल दे रहे हो और ये सब। ना, ये जो भी कहता है पगला है कि लव व्हाट यू डू। कर्म ज्ञान से निकलता है, डूइंग लविंग से निकलती है, लविंग डूइंग से थोड़ी निकल सकती है। जो लोग कहते हैं लव व्हाट यू डू, वो ये कह रहे हैं कि जो भी कचरा कूड़ा गंदा काम कर रहे हो, कोशिश कर करके उसी से प्यार करो। ये बड़ी खतरनाक बात है, इसको पकड़ मत लेना। ये बात किसी चोर को बता दी तो क्या करेगा? लव व्हाट यू डू, अब वो क्या करेगा? चोरी नहीं, प्यारी प्यारी चोरी। अब मैं आई लव व्हाट आई डू। हाँ, डू वॉट यू लव, बट ठीक है उसमें भी, लेकिन डूइंग नहीं है। जो तुम्हारा वास्तव में प्रेम है वो तुम्हारे कृत्य में उतर के रहेगा, तुम्हें डूइंग नहीं करनी पड़ेगी, वो भी अपने आप हो जाएगी। तो इसके तो दो हिस्से थे, डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू। लव वॉट यू डू तो बिल्कुल खारिज हुआ, खत्म। और जो ये है कि डू वॉट यू लव, ये बात आधी अधूरी सी है, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेम होता है ना, वहाँ पे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप हो ही जाता है। पता कैसे चलता है कि प्यास लगी है? पता कैसे है कि तुम हो? तुम्हें कैसे पता तुम हो जिंदा? आई एम नॉट। अरे वो है ही नहीं, भागो, यहाँ कुछ भूत प्रेत का चक्कर है। कैसे पता कि तुम हो? वैसे ही पता होता है कि प्रेम है, बस पता होता है। सर पहले जो स्पार्क था, जब यहाँ पे नए नए आए थे, वो ऐसे लगता है कि अभी भी ख़त्म हो गया है, सारी क्लासेस बोर लगती हैं। बेटा तुम गलत मन के साथ आए थे ना, तुम बड़ी उम्मीदें लेकर के, बड़ी अपेक्षाएं रख के आए थे। वास्तविकता कभी तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरेगी। तुम जो भी काम पहले से ही उम्मीद सेट करके करोगे, वहाँ तुमको निराशा मिलनी पक्की है। जीवन में अगर तुमको ज़्यादातर लोग निराश दिखते हैं तो उसका कारण ही यही है कि उन्हें पहले ही पता है उन्हें क्या चाहिए। मैं पहले ही तय करके आऊँ कि मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए, तो मुझे निराश ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया दे देते हो। वो कभी नहीं देते जो मुझे चाहिए, पर कुछ नया दे देते हो। अब अगर मैं वो मांगने ही लग जाऊँ, नहीं जो मैं सोच के आया था वही सवाल पूछो ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम कभी वो पूछते ही नहीं जो मैं सोच के आया हूँ, तो इसीलिए मैं सोचता ही नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है, हाँ अब जो भी पूछेंगे जवाब दे देंगे। जहाँ तुमने बात को पहले ही तय करने की कोशिश की, तुमने हताशा के दरवाजे खोल दिए। बड़ी बहादुरी चाहिए, मस्ती वाली बहादुरी। रहने दो, कॉलेज है, जीवन है, तुम हो, जवान हो, इतने सारे मौके हैं, अवसर हैं, पढ़ाई है, खेलकूद है, को करिकुलर्स हैं, दिल्ली के पास हो, उनको भुनाओ ना, पर उनको भुना नहीं पाओगी, क्योंकि कुछ होगी अपेक्षा जो पूरी नहीं हो रही होगी।
होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी सितंबर चल रहा है, यही तो फेस्टिव सीज़न है, सब कॉलेजेस के फेस्टिवल्स होते हैं, रौंदरू दिल्ली का, आईटी का, या तो हो गया होगा या अभी होने वाला होगा। और अभी से लेकर के फरवरी तक जो जाना चाहे करना चाहे उसकी ज़िंदगी ऐसी रहेगी कि मस्त तुम बोल सकते हो, तुम डांस नाटक कर सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम खेल कूद सकते हो। क्या तुम शिकायत कर सकते हो, क्या करना है शिकायत करनी है या मौज करनी है? अब पक्का ही नहीं है तुमको, निर्णय करना पड़ रहा है, जिसमें भी पता है तुम क्या करोगे, शिकायत करोगे बस। जब मौज करनी होगी वो कूद पड़ेगा, मौज करनी है। चलो तुम एक दूसरा चांस दो, शिकायत करनी है मौज करनी है? अभी भी तुम्हें समय लगता है, तुम सब बड़े निर्णयवादी लोग हो, तुम्हें बहुत सोचना पड़ता है। बेशक। अरे इसमें निर्णय नहीं है ना, फिर उसमें सीधे बोलो नहीं अभी नहीं जाना है, उसमें भी निर्णय नहीं है, नहीं अभी नहीं जाना, अभी कुछ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ना नहीं जाना, इसमें भी निर्णय नहीं चाहिए और जाना है इसमें भी निर्णय नहीं चाहिए। मौजूद हो, उपस्थित हो, जान रहे हो तो अपने आप तुरंत पता है।